लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल तो सरकार का ऐसा कुछ मन लग नहीं रहा है। अब अगर हम बात करें, जैसे आप कह रहे थे उत्पाद विभाग का ये काम है, लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस के पास जो संसाधन है वो बहुत जरूरी है कार्रवाई के लिए। उत्पाद विभाग क्या कर सकता है, नजर रख सकता है कहाँ पे क्या हो रहा है, पुलिस फोर्स की कमी है या इच्छा शक्ति की कमी है या फिर जो पुलिस अधिकारी है वो ही चोरों के साथ मिल गए। इस थाने में दो गाड़ी है, पेट्रोलिंग भी है, उनकी गद्दी भी करनी है, लोगों की सुरक्षा के लिए VIP भी आएंगे, लॉ ऑर्डर भी विधि व्यवस्था बनाए रखने हैं, कांड का उद्भेदन भी करना है, अनुसंधान भी करना है, कोर्ट में हाजिरी देने भी पदाधिकारी को जाने हैं, तथा पदाधिकारी है आउटपोस्ट या पुलिस स्टेशन में। अब अगर कहीं शराब की इन्फॉर्मेशन मिलती है, गाड़ी पेट्रोलिंग में है, थानेदार जो है गए हुए हैं क्राइम मीटिंग में, फिर वहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे उठाएंगे रेड मारने के लिए, सबसे बड़ी चीज। दूसरी चीज, अगर एक पैनल एक बता रहे थे कि एक्साइज का काम नहीं है, एक्साइज के सुपरिटेंडेंट होते हैं, आयुक्त होते हैं, उपायुक्त होते हैं, DYSP होते हैं, थानेदार होते हैं, जो है सब इंस्पेक्टर होते हैं, कॉन्स्टेबल होते हैं, उनके पास गाड़ियां दी गई हैं कि उनका ये स्पेशल एक्साइज डिपार्टमेंट ही काम है। कोई कहे लकड़ी की तस्करी हो रही हो, कोई कहे कि वन विभाग के पदाधिकारी का काम नहीं है, कोयले की तस्करी हो रही है, खनन पदाधिकारी का काम नहीं है, वो डिपार्टमेंट किस लिए बना है, स्पेशल उनके लिए बना हुआ है, तो उनको तो सघन अभियान चलानी चाहिए। आपका ये कहना है जो डिपार्टमेंट है उत्पाद विभाग है, सबसे पहले उसकी ड्यूटी है, सहायता जरूर पुलिस कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मनमोहन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। सरकार को भी सोचना होगा कि सरकारी दुकानों के सिवा बहखाने जो और भी हैं उन्हें कैसे बंद किया जाए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दूसरों के लिए भी वो कार्रवाई सबक हो। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें देखते रहिए न्यूज इंडिया पर।